हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द बीके एडिट्स। एंड गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वाली अपने फोटो एडिट कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। सो गाइस, जाने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर देना एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर देना। एंड चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने बैकग्राउंड को ओपन कर देना पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने बैकग्राउंड को ओपन कर दिया पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। एंड गाइस, पिक्सआर्ट के अंदर ओपन हो जाने के बाद अभी आपको क्या करना गाइस, यहां से आपको जाना पड़ेगा इस ऐड फोटो के टूल्स पर और अपनी मॉडल की इमेज को ऐड कर देना। ओके, सो गाइस, यहां पर मैं अपनी मॉडल की इमेज को ऐड कर लेता हूं। सो गाइस, फाइनली मैंने अपनी मॉडल की इमेज को यहां पर ऐड कर लिया। तो गाइस, इसका बैकग्राउंड मैंने पहले से इरेज करके रखा। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको कहना है कि इस पिक्चर को आपको बैकग्राउंड इरेज करने के बाद आपको कहना है यहाँ पर बैकग्राउंड के साथ पिक्चर को मैच कर देना, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पोजीशन लाकर यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से हम ऐड कर लेता हूँ। एंड गाइस, ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। एंड इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा ऐड फोटो के टूल्स पर। ओके, एंड यहाँ पर क्लिक कर दिया और एक पीएनजी को मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस, हियर ए पीएनजी। एंड इस वाले पीएनजी को क्या करना है, मैं यहाँ से इस तरीके से मैं जूम कर दूंगा, ठीक है। एंड ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ से गाइस आपको एक ऑप्शन पड़ेगा लेयर का, ठीक है, ये वाला लेफ्ट साइड में। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से मूव डाउन कर देना, ठीक है। जैसे गाइस आप डाउन करके तो यह आप जो अभी पीएनजी लगाए थे वो अपनी मॉडल की इमेज के पीछे हो जाएगा, ठीक है। एंड गाइस, इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा ऐड फोटो के अंदर, ठीक है, और इस फ्लैग पीएनजी को ऐड कर देना, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस आपको क्या है, यहाँ से नीचे जाना और यहाँ से एक रोटेट का ऑप्शन दिखाई, इस पर आपको क्लिक करके इसको करना है यहाँ से रोटेट। एंड फिर गाइस आप इस तरीके से यहाँ पर इसको ऐड कर देना अपने हैंड के साथ, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस पोजीशन में यहाँ पर ला के इसको ऐड कर देता हूँ। एंड ऐड करने में गाइस अभी आपको क्या है, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा इरेजर टूल्स पर, ठीक है, और अपनी पिक्चर को जूम कर देना। एंड यहाँ से इरेज को सेलेक्ट करके इसकी हार्डनेस को फुल कर देना तकरीबन 93 के आसपास, साइज को कम, ठीक है। एंड इसको यहाँ से मैं साइज कम होगी, सॉरी गाइस, इस तरीके से मैं इसको यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको भी कर लेता हूँ ताकि इसे रियल लग सके, ठीक है। एंड यहाँ से मैं इसको जल्दी से यहाँ रिमूव कर लेता हूँ इसको। एंड ड्रॉ पर क्लिक करके इसकी हार्डनेस को थोड़ी कम, ठीक है, फिर मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लूंगा एंड इसको इरेज भी कर लूंगा यहाँ से। एंड गाइस सिंपल मैं इसको कर दूंगा डन पर क्लिक। एंड गाइस डन पर क्लिक करना, अभी आपको क्या करना, और सॉरी गाइस यहाँ पर मैं फिर से ऐड कर देता हूँ। एंड ये वाला हिस्सा गलती से ड्रॉ हो चुका, ठीक है, तो इसको यहाँ से आप इस तरीके से कर देना, ठीक है। एंड इसको कर देता हूँ डन। एंड गाइस अगेन मैं यहाँ से फिर से डन पर क्लिक करूँगा लेफ्ट साइड में। ओके, सो गाइस यहाँ पर डन हो जाने बाद, डन हो जाए यार। एंड गाइस इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से जाना आपको ऐड फोटो के अंदर। ओके, एंड गाइस ऐड फोटो के अंदर मैंने क्लिक कर दिया। एंड मैं यहाँ से पीएनजी को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसमें जो भी मैं बैकग्राउंड पीएनजी यूज़ करूँ उन सभी के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड सिंपल आपको यहाँ से लेफ्ट साइड में राइट पर टिक कर देना है। एंड फिर से आपको यहाँ से जाना पड़ेगा ऐड फोटो के अंदर, ठीक है। एंड मैं यहाँ से पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस इस पीएनजी को मैं यहाँ से जूम करके नीचे की तरफ ला कर यहाँ पर छोड़ दूंगा इस तरीके से। एंड इसको कर दूंगा मैं डन पर क्लिक। ओके, सो गाइस डन पर मैंने क्लिक कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया समर पिक्चर एडिट हो चुकी है। एंड इसमें हम थोड़ा कलर ग्रेडिंग बाकी रह चुका, ठीक है। सो अभी आपको कहना है गाइस, यहाँ से मैं जाऊँगा टूल्स के अंदर सबसे पहले, ठीक है। एंड यहाँ से आपको जाना एडजस्टमेंट के अंदर। ओके, एंड गाइस एडजस्टमेंट के अंदर क्लिक करने अभी आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले ब्राइटनेस के अंदर। एंड इसके ब्राइटनेस को इतनी तक डाल लेनी 14। एंड इसकी सैचुरेशन गाइस थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूँ। एंड यहाँ से मैं जाता हूँ हाईलाइट के अंदर, एंड हाईलाइट को थोड़ी सी कम, ठीक है। एंड शेडो को भी थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूँ। एंड ब्राइटनेस को थोड़ी और मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है, तकरीबन 5 के आसपास डाल देता हूँ। एंड जाऊँगा इसमें इरेजर टूल पर और इसको कर दूँगा इन्वर्ट, ठीक है। एंड फिर आपको पिक्चर को जूम करके ड्रॉ पर क्लिक करके इसके हार्डनेस को इतनी एंड साइज को कम, फिर आपको इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर देना, ठीक है।
इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर मैं कर लेता हूँ थोड़ा, एंड सिंपल मैं इसको डन कर दूंगा। अब मैं जाता हूँ कॉन्ट्रास्ट के अंदर, ठीक है। एंड कॉन्ट्रास्ट को आपको थोड़ी सी इंक्रीज कर देनी है, एंड सिंपल मैं इसको कर दूंगा डन पर क्लिक। ओके सो गाइस, ये हमारा पिक्सार का सारा काम फाइनल हो चुका है। और अभी हम चलते हैं लाइट रूम एप्स के अंदर, वहाँ पर इसका कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो मैं ड्रॉ टूल पर क्लिक करके इस पिक्चर को मैं सिंपल सेव कर दूंगा, थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव इमेज कर लिया। एंड अब मैं चलता हूँ लाइट रूम के अंदर, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करते रहिए अभी। सो गाइस, मैंने अपनी पिक्चर को ओपन कर दिया लाइट रूम एप्स के अंदर। एंड गाइस, लाइट रूम के अंदर आने पर अभी आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से मैं कहा जाना, और एक मैं प्रीसेट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप इजीली डाउनलोड कर लीजिए। एंड डाउनलोड करने अभी आपको इस प्रीसेट को ओपन कर देना, ठीक है। तो गाइस, प्रीसेट को मैंने ओपन कर दिया। एंड इसके बाद आपको ऊपर थ्री डॉट का आइकन दिखाना, इसके अंदर क्लिक करके एंड यहाँ से आपको नीचे जाना और कॉपी सेटिंग कर देना। जैसे आप कॉपी सेटिंग क्लिक करोगे तो आपको टूल्स को राइट क्लिक कर देना और सिंपल आपको डन पर प्रेस कर देना। तो गाइस, ये हमारा प्रीसेट कॉपी सेटिंग हो चुका है। अगेन मैं इसे बैक कर दूंगा और अपनी वाली जो पिक्चर हमने एडिट की उस पिक्चर को ओपन कर दूंगा। एंड फिर से मैं जाऊँ ऊपर थ्री डॉट के ऑप्शन पर, यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाऊँगा और पेस्ट सेटिंग पर मैं क्लिक कर दूँगा। सो गाइस, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और आप लोग देख सकते हैं ये बिफोर एंड ये आफ्टर, तो कितनी बढ़िया से हमारा पिक्चर एडिट हो चुकी है, कलर ग्रेडिंग हो चुका है, ठीक है। एंड इसमें थोड़ी मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा यहाँ से मैं कलर टूल्स के अंदर, एंड यहाँ से आपको ऊपर जाना मिक्स के अंदर, ठीक है। एंड गाइस, मिक्स के अंदर आने पर क्या करना आपको कि इसकी शेडर हम गाइस थोड़ी सी इंक्रीज कर देनी, एंड इसकी ह्यू को हम थोड़ी सी प्लस की तरफ कर लेते हैं, ठीक है। एंड सिंपल में जाऊँगा सेकंड टूल्स के अंदर, एंड इसकी शेडर हम गाइस हम थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। एंड इसकी ह्यू को भी थोड़ी सी यहाँ से डाल लेते हैं, ठीक है। एंड इसकी ल्यूमिनेंस को भी थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। एंड सिंपल मैं इसको डन कर देता हूँ। एंड गाइस, इसके बाद क्या करना, ग्रीन टूल को ऐड कर देना, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं, एंड ह्यू को भी थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। एंड गाइस, इसके बाद गाइस अभी आपको क्या करना, इसके पिक्चर को मैं डन कर देता हूँ। एंड गाइस, डन करने के बाद अभी आपको क्या मिक्स पर क्लिक करके ये वाले कलर को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ब्लू कलर को। एंड इसकी ह्यू के अंदर चला जाऊँगा, ठीक है। एंड इसकी ह्यू को मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ, एंड इसकी सेचुरेशन थोड़ी और इंक्रीज कर देता हूँ तकरीबन इतनी। एंड सिंपल अब मैं डन कर देता हूँ। एंड गाइस, इसके बाद क्या करना आपको, यहाँ से इसको करना डन। एंड अभी आपको जाना पड़ेगा इफेक्ट टूल्स के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ से आपको इसकी क्लैरिटी इंक्रीज कर देनी है, एंड विगनेट को थोड़ी माइनस की तरफ कर देनी है। एंड यहाँ से इसकी टेक्सचर को थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको कर लेता हूँ मैं डन पर क्लिक। एंड अब मैं जाता हूँ यहाँ से डिटेल टूल के अंदर, इसकी शार्पनिंग को कम कर देता हूँ, डिटेल्स को 100, एंड यहाँ से इसकी डिटेल्स को फुल और कॉन्ट्रास्ट को कम, एंड इसकी नॉइस रेडियंस डाल लेता हूँ, एंड इसके कलर नॉइस रेडियंस तकरीबन मैं 60 एंड डिटेल्स को फुल। एंड इसकी स्मूथ को थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ 74, एंड सिंपल मैं इसको डन कर दूंगा। और अब हम चलते हैं यहाँ से लाइट वाल ऑप्शन के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको क्या करना, सबसे पहले इसकी शैडो के अंदर चले आना, एंड इसकी शैडो को थोड़ी इंक्रीज, एंड यहाँ से इसके ब्लैक को थोड़ी सी माइनस, एंड वाइट को थोड़ी इंक्रीज कर देता है। एंड यहाँ से इसकी कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तकरीबन 11 के आसपास। एंड इसके हाईलाइट को हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं, एंड सिंपल मैं इसको डन कर देता हूँ। सो गाइस, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये बिफोर एंड ये आफ्टर, तो कितनी बढ़िया से हमारी पिक्चर गाइस एडिट हो चुकी है। एंड अभी इस पिक्चर को मैं सिंपल सेव कर दूंगा, तो शेयर के ऑप्शन क्लिक करके यहाँ से सेव टू डिवाइस कर देना। सो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो जरूर से पसंद आएगा गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं बताऊँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।